सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस वंस अगेन एंड हैप्पी दिवाली। दोस्तों अगर इंडिया में स्पोर्ट्स टूरर को देखें तो बजाज डोमिनर एक बहुत बड़ा सा नाम है, और स्पोर्ट्स टूरर जिस कैटेगरी के बाइक्स को हम कहते हैं उस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा बाइक्स आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बजाज डोमिनर मेरे ख्याल से एक इनोवेटिव सा स्टेप रहा है बजाज की तरफ से, और ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की ओर देखें तो बजाज डोमिनर 400 आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया सा राइडिंग एक्सपीरियंस दे देता है अगर आप स्पोर्ट्स राइडिंग या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बजाज डोमिनर 400 की जो E20 अपडेट आ चुका है इसके बारे में बताऊंगा। हालांकि दोस्तों यहां पे अपडेट कुछ नहीं हुआ है, बस आपको E20 फ्यूल के साथ डोमिनर को कंपैटिबल बना दिया गया है और यही मेन इसमें चेंजेस हुआ है, और बाकी इसमें आपको और कोई अलग से चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बजाज डोमिनर की ये वाला जो कलर है ये है मैट ब्लैक कलर। ये आपको लगभग 280,000 के कुछ ज़्यादा में कोलकाता में ऑन रोड प्राइस में मिलेगा, और डोमिनर की एक 250cc वर्जन भी अवेलेबल है जो कि एक स्ट्रिप डाउन मॉडल है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत, और दोस्तों हमेशा की तरह अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों यहां पे अगर हम ब्रेकिंग डिपार्टमेंट से स्टार्ट करें तो आपको डुअल चैनल ABS यूनिट मिलता है, और आगे की तरफ एक मैसिव 320mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। 110 सेक्शन की टायर आगे की तरफ दिया गया है, यानी कि 110/70 सेक्शन का टायर है, और 43mm की अपसाइड डाउन सस्पेंशन आपको मिलेगा, यानी कि 43mm सस्पेंशन की थिकनेस है। और अपसाइड डाउन फॉक्स आपकी जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो ऑन रोड, ऑफ रोड नहीं दोस्तों, ऑन रोड और ज़्यादा बेहतर बना देता है, क्योंकि आपके सामने जब बहुत सारे किलोमीटर्स तक एकदम खुली सड़क होगा या फिर खुली हाईवे होगा तो ये जो अगर आप देखें तो अपसाइड डाउन सस्पेंशन जो है ये नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन से बेहतर परफॉर्मेंस आपको दे देता है। अब अगर देखें हेडलैम्प को दोस्तों, तो पूरी गाड़ी में आपको LED लाइटिंग मिलेगी, और हेडलैम्प इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वन ऑफ द बेस्ट टॉकिंग पॉइंट्स ऑफ बजाज डोमिनर 400, क्योंकि कंप्लीटली LED यूनिट है, और इस LED यूनिट को आप कंट्रोल भी कर पाएंगे क्योंकि हाई बीम लो बीम भी आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, और 1 किलोमीटर या फिर 1.5 किलोमीटर की दूरी से आप इसकी हेडलाइट को यानी कि डोमिनर की हेडलाइट को देख पाएंगे, जो कि बजाज भी कह रहा था अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया सा हो जाता है। आपको एक बहुत ही अच्छा सा अच्छे क्वालिटी का विंडशील्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि अगेन ट्रांसपेरेंट है, विच गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग, क्योंकि आप डक डाउन करके भी विंड ब्लास्ट को संभाल के इस गाड़ी को चला सकते हो। नकल गार्ड्स दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जो कि खास करके ज़्यादा बड़े बाइक्स में ही दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो हैंडल बार यूनिट यहाँ पे लेट डाउन है, ताकि आप थोड़ा सा आगे की तरफ हल्का लीन करके इस गाड़ी को चला पाएंगे। स्विच गियर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, हजार्ड लाइट स्विच बस मिसिंग है, बाकी यहाँ पे बैकलिट स्विच गियर दिया गया है, और सारे जो नेसेसरी स्विचेस है आपको इस गाड़ी में यानी कि डोमिनर 400 में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखें तो ऑन द बोर्ड आपको यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है, और जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो दोनों हिस्सों में यहाँ पे स्प्लिट किया गया है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो USB चार्जिंग पोर्ट है वो आपको मीटर के बिल्कुल नीचे मिल जाएगा, और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी इसके ऊपर दिया गया है। आप चाहे तो इसमें ऑन द गो कोई भी स्मार्ट डिवाइस चार्ज कर पाएंगे। अब मीटर कंसोल में दोस्तों आपको रीफ्यूलिंग की इन्फॉर्मेशन, टैकोमीटर, ओडोमीटर सब कुछ यहाँ पे मिलता है, लेकिन जो मेन मीटर कंसोल वहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिखेगा, फ्यूल इंडिकेशन दिख जाएगा, और साथ ही में आपको साइड स्टैंड डाउन, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, टैकोमीटर ये सब कुछ दिख जाएगा, और टेलटेल लाइट्स भी कुछ दिख जाएगा, जैसे कि न्यूट्रल, साइड इंडिकेटर्स, ये सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। साथ में दोस्तों रीफ्यूलिंग का इन्फॉर्मेशन और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों टैंक के ऊपर जो सेकेंड मीटर कंसोल है उसमें, तो यहाँ पे आपको टाइम दिख जाएगा, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर ये सब कुछ दिखेगा, गियर पोजिशन इंडिकेटर दिखेगा, और दोनों ही बटन्स दिखेगा जिससे कि आप ये कंट्रोल कर सकते हो। अब आते हैं दोस्तों टैंक के ऊपर, तो E20 की एक बैजिंग आपको मिलता है, 13 लीटर्स की पेट्रोल टैंक है। बात करें दोस्तों यहाँ पे माइलेज की, तो लगभग सिटी में 25-26, और अगर देखें हाईवेज में तो अप्रॉक्सीमेट 30 या फिर 29-30-31 के आसपास यहाँ पे माइलेज आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग आप किस तरह से राइड कर रहे हो। डोमिनर की 3D एम्बलम मिलेगा, टैंक पैड्स मिलेगा किसी भी एब्डोमिनल इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा बल्की सा टैंक है, एंड टैंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव, एक ऐसा फीचर है जो कि इस गाड़ी को और ज़्यादा विजुअली अट्रैक्टिव बना देता है। और दोस्तों ये गाड़ी आता ही है अपना इंजन गार्ड के साथ, तो इंजन गार्ड भी आप देख सकते हो, थोड़ी सी स्प्लिट टाइप का है, आप इजीली अगर इसमें चाहे तो आफ्टर मार्केट फिटमेंट्स जैसे कि लाइट्स वगैरह लगा सकते हैं। हार्ट ऑफ द मैटर दोस्तों, सिंगल सिलेंडर, ट्रिपल स्पार्क, लिक्विड कूल्ड, 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड DTSI, 373.3 cc का इंजन है, और इसमें पावर आपको मिलेगा 40 PS एट 8650 RPM, और टॉर्क मिलेगा 35 Nm एट 7000 RPM। 6-speed की गियर बॉक्स है दोस्तों, स्लीपर क्लच इसमें दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इंजन की अगर परफॉर्मेंस देखें तो सिटी फोकस्ड परफॉर्मेंस आप
इसमें उम्मीद ना ही रखें क्योंकि सिटी में चलाने के लिए यह उतना ठीक नहीं है, इंजन काफ़ी हद तक गर्म हो जाता है। ज़्यादातर आप इसको खुली रोड पे या फिर हाईवेज में ज़्यादा चलाएं, और अगर आप पावर राइडिंग करते, पावर क्रूजिंग करते तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम सीट को देखें तो 800 mm सीट हाइट है, स्प्लिट सीट है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। पीछे आपको D400 के अगेन 3D में एम्बलम देखने को मिलेगा, और ग्राउंड क्लियरेंस 157 mm है, जो कि मुझे थोड़ा सा कम लगा है। छोटा सा आपको बैकरेस्ट देखने को मिलेगा, और बहुत ही एक बड़ा सा हाईलाइटेड पॉइंट है इसकी जो बैकरेस्ट है। बैकरेस्ट के साथ साथ जो बैक ग्रैब हैंडल या फिर जो करियर आप देख सकते हो, कम्प्लीटली अलॉय का बना हुआ है, और बहुत ज़्यादा सामान आप इसके ऊपर लाद कर चल सकते हो, और इसको अपनी तरह अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग इन दिस करियर, या फिर आप कह सकते हो जो अलॉय करियर इसमें दिया गया है उसमें, तो आप बहुत ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हो। पीछे की तरफ 150x60 सेक्शन का रेडियल ट्यूबलेस टायर दिया गया, और दोनों ही जो टायर्स है दोस्तों 17 इंचेस के रेडियल ट्यूबलेस टायर से, और 230mm डिस्क पीछे की तरफ मिलेगा, और पीछे जो सस्पेंशन है दोस्तों, पीछे आपको एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन मिलेगा। अब टायर्स को देखें दोस्तों, दोनों ही जो टायर्स है ये सिटी फोकस टायर्स दिया गया है, ब्रेकिंग ऑन द पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकिंग मिलेगा, लेकिन कोई भी स्विचेबल ABS यहाँ पे नहीं मिलता है, और बहुत ही इनोवेटिव सा आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक व्हील बेस को देखें तो 1453mm व्हील बेस है, जो कि बहुत ही अच्छा है स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी के लिए। वीडियो दोस्तों कैसा लगा ज़रूर बताना, शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। आगे फिर मिलेंगे, थैंक यू एंड ऑलवेज राइड सेफ।